अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल में क्या फ़र्क होता है? पेट्रोल, जिसको अमेरिका में गैसोलीन कहते हैं, एक हाइड्रोजन कार्बन है और डीजल भी एक हाइड्रोजन कार्बन ही होता है। पेट्रोल का जनरल फार्मूला जो होता है वो 2-4 ट्राई मिथाइल पेंटेन है, यानी ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसके एक मॉलिक्यूल में 5 हाइड्रोकार्बन एक सीधी कतार में, जबकि 3 कार्बन ब्रांच बनाकर अलहदा होते हैं, यानी 8 कार्बन एक मॉलिक्यूल में। इसका कीमियाई मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H18 होता है और इसका मॉलिक्यूलर वजन 114 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है। जबकि डीजल भी हाइड्रोकार्बन होता है। दो तरह का डीजल मार्केट में मुयसर है, एक लाइट डीजल कहलाता है और दूसरा हैवी डीजल। लाइट डीजल का कीमियाई फार्मूला C12H22 होता है, जबकि हैवी डीजल का कीमियाई फार्मूला C14H24 होता है। लाइट डीजल का मॉलिक्यूलर वजन 166 AMU और हैवी डीजल का कीमियाई मॉलिक्यूलर वजन 192 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है। पेट्रोल और डीजल के मॉलिक्यूलर फार्मूले और वजन के मुकाबले करने से ये बात वाज़े होती है कि पेट्रोल डीजल के मुकाबले एक हल्का और छोटा मॉलिक्यूल है, जबकि डीजल एक भारी और लंबा मॉलिक्यूल है। जब एक हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील हो जाता है और साथ में हरारत की अच्छी खासी मकदार भी खारिज होती है। ये हरारत की खारिज होने वाली मकदार मॉलिक्यूल के वजन और कार्बन एटम की तादाद पर मुनहसर होती है। जितने ज़्यादा कार्बन एटम उतनी ज़्यादा हरारत खारिज करेंगे जबकि इनको जलाया जाए। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल जलने पर कम हरारत देता है और डीजल ज़्यादा देता है। जो ईंधन ज़्यादा हरारत देगा वो किसी गाड़ी के इंजन को उतनी ही तेज़ी से चला भी सकता है। पेट्रोल हल्की गाड़ियों में इसीलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इनका इंजन हल्का होता है और वो कम ताकत के इस्तेमाल से चलती हैं, जैसे कार, मोटरसाइकिल वगैरह। जबकि भारी गाड़ियों के अंदर इंजन भी बड़ी हॉर्स पावर का भारी लगता है, जैसे ट्रक, बस या फिर जीप वगैरह। तो इनके इंजन को चलाने के लिए एक ऐसा ईंधन चाहिए जो ज़्यादा हरारत पैदा करे, इसलिए इनके लिए डीजल की ज़रूरत होती है। दोस्तों, मैंने कोशिश की कि आसान लफ्ज़ों में पेट्रोल और डीजल का फ़र्क बता सकूँ। अगर आपको समझ आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।